ओके सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. ओके तो यहाँ पे है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो जैसे पहले मैंने बताया था सिंपल स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी. तो ओके काउंट करते हैं, एल्यूमिनियम कितना है, 1. ओके ऑक्सीजन 2, यहाँ पे Al2O3, तो क्लियरली दिख रहा है एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2 एंड ऑक्सीजन है यहाँ पे 3. तो अब हमें सिंपल सी बात क्या करनी है, जितने रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है उतने ही प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन होना चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है 1 एल्यूमिनियम, यहाँ पे है 2 एल्यूमिनियम. पहली बार में एक ही एटम को पकड़ो. अब हमने एल्यूमिनियम को लिया है तो ठीक है, हम पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं. सो बेसिक यहाँ 2 यहाँ 1, सो व्हाट कैन वी डू, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 × 1. ओके अब इट बिकम्स 2 एल्यूमिनियम एंड इधर भी 2 एल्यूमिनियम. ठीक है, हमारा एक एटम बैलेंस हो गया. अब हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3. ओके यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2. तो हम इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका जो रिजल्ट है वो 3 आए. ओके मैं रिपीट कर रही हूँ, इस 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर में हमारा 3 आए. तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इस 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा, आंसर 3 आएगा. 2 से 2 कट हो गया तो यहाँ पे 3 आएगा. ओके तो हमने इसे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है तो अब हमने सब मल्टीप्लीकेशंस कर दी, तो हम एक बार इसे लिख लेते हैं. 2 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 गिव्स अस Al2O3. ठीक है अब हम काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, 2. प्रोडक्ट साइड में कितने एल्यूमिनियम है, 2. ओके यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 और 2. अब देखो सिंपल सी बात है, ये 3O2 ऑब्वियसली इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है ना, ऐड तो नहीं है ये 3O2. सो दिस 3 × 2, तो यहाँ पे हम टोटल ऑक्सीजन कितने लिखेंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स. और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स. अब एल्यूमिनियम तो 2 हो गया, इसका तो काम ख़त्म. अब हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को इक्वल करना है. तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट बिकेम 6 ऑक्सीजन. अब हम फिर से एक बार लिख लेते हैं जो जो हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया. 2 एल्यूमिनियम, ओके एज इट इज़ हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया था. यहाँ पे 3O2, ओके एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन हमने इस ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई. तो ये 2 ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन के आगे 2O3 लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 जो है ये एल्यूमिनियम के साथ भी आएगा और ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, यानी कि हम इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे. तो इट बिकम 2Al2O3. ठीक है अब हम फिर से काउंट करते हैं, एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2. ओके ऑक्सीजन है यहाँ पे 6. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 × 2, 4 एल्यूमिनियम. एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 × 3, 6 ऑक्सीजन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि ये जो 2 है ये इस एल्यूमिनियम के लिए भी है और ये इस ऑक्सीजन के लिए भी है. सो हमें इन दोनों के सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिक्स. ठीक है भाई, इस बार ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है. हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें इसको 4 बनाना पड़ेगा. सो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, 4 एल्यूमिनियम. अब फिर से हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, हमने जो मल्टीप्लीकेशन किए हैं यहाँ पे, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इट बिकम्स 4 एल्यूमिनियम. 3O2 हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, 2Al2O3. तो अब ये जो हमारी रिएक्शन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है.